अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बात करेंगे आखिर 13वें एपिसोड में मेविश का अंजाम क्या होगा। खामोश। ओहो, मेविश हयात नहीं, मेरे पास तुमों की मेविश मतलब आयजा खान। सबसे पहले बात करेंगे अब तक इस ड्रामे का क्या फायदा रहा, क्या नुकसान रहा हमारी आवाम के लिए, और इस 12वें एपिसोड का एक खास डायलॉग जिसका मतलब क्या था। आज हम सब चीज़ों पर बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर आने वाली अपडेट आपको मिलती रहे। इस ड्रामे का अब तक फ़ायदा ये रहा कि जो ख़वातीन अपनी सांसों की बुराइयां करती थी, इन्होंने बुराइयां करना छोड़ दी और अब सिर्फ वो मेविश की बुराइयां करती हैं, और जो सांसें अपनी बहुओं की बुराइयां करती थी वो भी आजकल मेविश की बुराइयों में मसरूफ है। कुछ सांसों का तो कहना है, हाय देखो दानिश को कैसा बीवी का गुलाम बना हुआ है, जैसा मेरा बेटा। और कुछ शादीशुदा खवातीन का दानिश के बारे में ये कहना है कि हाय कैसी कमीनी औरत है, ये कैसा जुल्म कर रही है अपने शोहर के साथ। बहन, हमारा वाला ऐसा होता तो हम तो शोकेस में रख लेते, और कुछ ने तो इमेजिन भी शुरू कर दिया कि काश हमारा वाला भी ऐसा होता। तो अरे भैया, ये ड्रामा है ड्रामा, हकीकत में कहाँ पाए जाते हैं ऐसे मर्द। चलो मान लो दुनिया में 1% अगर ऐसे मर्द हुए तो यकीनन म्यूजियम में रखे हुए होंगे। और हाँ, फेसबुक पर जो खवातीन ऐसे लड़ रही हैं जैसे मेविश इनकी सोतन हो। और अब 12वें एपिसोड में जो दानिश ने बाबूजी वाला किरदार अदा किया है और मेविश की रुखसती की तैयारी कर रहा है, वहाँ हमारी खवातीन ने ऐसे दिल थाम ली और एक बार फिर मेविश की गालियों की ट्रेंडिंग नंबर 1 तक चली गई। और कुछ मर्दों का इस दौरान ये तासुर पाया गया कि दानिश है या इसका बाप जो रुखसत कर रहा है। और फेसबुक पर तो कुछ मर्द हजरात की तरफ से दानिश को ये ताना भी मिल गया, इतना बेगैरत है। और अब बारी है शहवार की, जो कि एक अमीर तरीन आदमी है, शक्ल से इंतहाई शरीफ लेकिन अंदर से उतना ही गुन्ना। कुछ मर्द हजरात की ये राय रही शहवार के बारे में, कितना कमीना है, घटिया इंसान, बेगैरत। हालांकि इनमें से 20% ऐसे भी हैं जो खुद भी ऐसे ही होंगे, लेकिन क्या करें भैया, यहाँ अपने गिरेबान में कोई नहीं जागता। और यहाँ कुछ मेमनों की गालियाँ भी शहवार को मिली, कुछ यूं, मुकुटिया मुपावियत के कीड़ा पुन कीड़ा पुन 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 कीड़ा पुन पुन पुन। इस बात को मेमन ही समझ सकते हैं। और इस तरह शहवार ने पाकिस्तान की आवाम से बेपनाह गालियाँ समेटी। ये तो हो गई पाकिस्तान की आवाम की राय। अब 12वें एपिसोड की बात करते हैं। 12वीं एपिसोड का वो सीन जब दानिश बाबूजी बनकर मेविश की रुखसती की तैयारी कर रहा है, और वहाँ शहवार ऐसा उछल रहा है जैसे कोई बच्चा जिसे पिकनिक पर जाना हो और रात को नींद ना आए। यही हाल मेविश का भी है। दोनों ने यहाँ बेगैरती की इंतहा कर दी, और वहाँ बेचारा दानिश जो दिल ही दिल में बेटी की रुखसती का गम मना रहा है, और अब शहवार से इंतजार ही नहीं हुआ, वो सुबह की बजाय रात को ही आ गया। और अब उसके आते ही दानिश ने ऐसी मेजबानी की जैसे उसका कोई दामाद आया हो। और अब मेविश और शहवार दोनों जाने के लिए इतना उछल रहे हैं और बार बार घड़ी को देख रहे हैं जैसे उनकी हैदराबाद की रेल छूट रही हो। और फिर जिसका सबको इंतजार था वो डायलॉग आ ही गया। शहवार को जाते हुए दानिश ने बोला, इस 2 टके की लड़की के लिए आप मुझे 50 मिलियन दे रहे थे। हाय हाय मजे। ये लफ्ज सुनते ही हमारी पाकिस्तानी आवाम ने कहा, हाय ठंड पे गई कलेजे थे। और कुछ मर्द हजरात ये डायलॉग सुनकर ऐसे खुश हुए जैसे पेट्रोल की कीमत में 50% कमी हो गई हो। और ख्वातीन को खुश होने के बाद जब उनको लगा कि ये डायलॉग ख्वातीन पर ताना है तो एक बार फिर ये आपस में लड़ने लगी। यहाँ इस डायलॉग का ये मकसद था कि मर्द जब प्यार करता है तो पलकों पर बिठा लेता है, और जब नफरत करता है तो दिल से उतार देता है। यहाँ मेविश का ये डायलॉग सुनते ही ऐसा मुँह खराब हो गया जैसे चांद रात वाले दिन दर्जी ने सूट खराब कर दिया हो। जाते हुए मेविश को एक बार भी अपने बेटे का ख्याल ना आया, और वो अपनी इज्जत और अपनी ममता सब कुछ छोड़ छाड़ कर शहवार के साथ चली गई। खुशी खुशी जैसे बेरिया टाउन एडवेंचर लैंड में। और यहाँ दानिश ने ऐसे दरवाज़ा बंद किया जैसे डेंगू का मच्छर अब वापस ना आ जाए। और यहाँ 12वीं एपिसोड का एंड हुआ।
और अब 13वीं एपिसोड के टीजर को ऐसे सस्पेंस में दिखाया गया है कि कुछ पुरानी एपिसोड के शॉर्ट्स और एक नाच दिखाया गया है, जैसे नीलम मुनीर का कौमी मुजरा। ये नाच वो शहवार के घर पर कर रही है शहवार के साथ। और खत्म, अब क्या होगा महविश का अंजाम? क्या दानिश जैसी मोहब्बत दे पाएगा शहवार, या शहवार का रंग अब बदल जाएगा और महविश को जब पता चलेगा कि शहवार की जिंदगी में कोई और भी है तो? क्या कुबरा खान एक नए रोल में सामने आएंगी? देखते हैं अब आगे क्या होता है। पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, लेकिन इस जगह अगर महविश हयात होती तो क्या होता? खामोश।